नमस्कार जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान एवं उत्तराखंड, भारत एवं राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगणों, अनगन मान्य अतिथियों एवं 4 करोड़ स्वयं सहायता समूह की बहनों का आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद विषयक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासकगण, राज्यों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक जनप्रतिनिधिगण, केंद्र और राज्य के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पूरे देश से जुड़ी हुई करोड़ों SHG की बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। आपने गांव गरीब विशेषकर बहनों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना, दीपावली और छठ पर्व तक 80 करोड़ से ऊपर बहनों के घरों में मुफ्त राशन भी पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस कड़ी में दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपने गांव की गरीब महिलाओं के सपनों को उड़ान देने का काम किया है, SHG आज 80% गांवों तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहनों ने आप पर जो भरोसा किया है, उसका एक हमारे सामने आंकड़े उपस्थित हुए हैं। 2013-14 में ये मात्र 2,35,00,000 बहनें SHG में थी, लेकिन आपने उनको जो भरोसा दिया, आज 7,66,00,000 बहनें जुड़ी हुई हैं। और केवल बहनें जुड़ी नहीं, आपने उन्हें बैंकों से ऋण की उपलब्धता भी की। वो उपलब्धता 13-14 में 80,000 करोड़ था प्रधानमंत्री जी, आज की तारीख में 3,85,000 करोड़, जो लगभग 4 गुना से भी अधिक है प्रधानमंत्री जी। और आपके ई गवर्नेंस, जिसकी चर्चा आप हर समय करते हैं, इन बहनों ने उसका अनुकरण किया। 2013-14 में इनका NPA 9.58% था, 9.58, जो आज आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में वो घट करके 2.83 हुआ प्रधानमंत्री जी। आज विभिन्न प्रकार के कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ करके अपने आर्थिक विकास में उत्साह पूर्वक लगी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरे देश की करोड़ों बहनें आपको सुनने के लिए आतुर हैं। 4 करोड़ से ऊपर बहनें इस सुनने के लिए आतुर हैं। हमारी बहनें आपके दिशा निर्देशन में चल रहे आत्मनिर्भर भारत को एक आर्थिक क्रांति में बदलने का काम कर रही हैं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में गत 7 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक लघु चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से
गरीबों खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम CRP हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गए हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं, ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं, विकास के खुले गगन में। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने करकमलों से दो पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। प्रथम पुस्तक लाखों करोड़ों बहनों के जीवन संघर्षों में सफलता की वानगी के रूप में 75 प्रेरणादायक प्रसंगों का संकलन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर प्रथम पुस्तक के लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। दूसरी पुस्तक हर बहन को रोजगार उपलब्ध कराने के माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को पूरा करने हेतु कृषि क्षेत्रों में अधिकतम आजीविका के सृजन विषयक रोड मैप है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर इस पुस्तक के भी लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आपकी प्रेरणा से सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण का एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत SHG बहनों को बीज पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। मैं उक्त मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना आशीर्वचन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री गिरिराज बाबू, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय राज्यमंत्रीगण एवं सचिव और अन्य पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। PMFME योजना की शुरुआत पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इसका केंद्र बिंदु एक जिला एक उत्पाद है। इस योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण का खास ध्यान रखा गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश के जिस जिले में जिस उत्पाद से संबंधित सूक्ष्म उद्योग अच्छा काम कर रहा है,
उन उत्पादकों को केंद्रित करने के लिए वहां काम करने वाले सूक्ष्म उद्योग को कच्चे माल खरीद से विपणन तक का सहायता प्रधान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आज इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की 7,500 महिलाओं को 40,000 रुपये प्रारंभिक पूंजी के तौर पर कुल 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के इस योजना के तहत महिलाओं को सहायता देने का यह पहला कदम है। महिलाएं इसका इस्तेमाल कैपिटल, छोटे मशीन तथा नए औजार इत्यादि खरीदने के लिए कर सकती हैं। इससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। PMFYM योजना में जो महिलाएं अपने उद्योग को बढ़ाना चाहती है, इसके लिए 35% की दर से अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकतम अनुदान की राशि 10,00,000 रुपये निश्चित की गई है। यदि स्वयं सहायता समूह भी अपने उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है तो उनको भी सरकार क्रेडिट लिंक ग्रांट से 35% की सहायता देगी। इस योजना में मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार या राज्य क्षेत्र स्तर के उत्पाद को कॉमन मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ला सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय द्वारा 50% सब्सिडी का प्रावधान है। पैकेजिंग एवं गुणवत्ता के साथ उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचने पर अधिक मूल्य मिलेगा और उद्यमियों की आय बढ़ेगी। इस स्कीम में प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। प्रशिक्षण के जरिए उत्पाद की अच्छी पैकेजिंग करने, FSSAI के गुणवत्ता का पालन करने और अच्छी मशीन का उपयोग करने आदि की जानकारी दी जाएगी। मुझे आशा है कि PMFYME योजना के से देश में महिला उद्यमों की आय में काफ़ी वृद्धि होगी, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय हिंद, जय भारत। NRLM से 330,000 से भी ज़्यादा बहनें सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को। चंपा जी नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई 38,00,000 समूह की दीदियों की ओर से सादर प्रणाम। सर जी, मेरा नाम चंपा सिंह है, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से। सर, मैं जब 11 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरी शादी कम उम्र में हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। माँ और मेरे जीवन में अंधकार सा आ गया, हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। तब आजीविका मिशन हमारी सहारा बनी। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की, जो अलग अलग विषयों पर है। उसी में एक कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैं 1,00,000 की लोन ली। 1,75,000 की कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त, अग्नियास्त, ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। मैं सर, पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे। साल में 40-50,000 कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था, उससे हमारी घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2-2.5 लाख, 3 लाख लगभग मैं 1 साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। सर, आपका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हम समूह के सभी दीदी आपके इस सपने को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए साकार करेंगे। चंपा जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सारा ब्यौरा दिया और आपने जी, जीवन में कुछ करके दिखाया है। चंपा जी, आपने बताया कि आपने कृषि संबंधी ट्रेनिंग ली है। जी सर। इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ और उस ट्रेनिंग को लेके, जैसे आपने बताया, 4-5 राज्यों में जाकर के आपने लोगों को प्रेरित किया, उसका परिणाम क्या मिला है?
सर मेरे को इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि मैं बेरोजगार थी, एक तो मुझे रोजगार प्राप्त हुआ। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी स्थिति सुधर गई, मुझे एक आय की साधन मेरी बन गई। और जो 3-4 राज्यों में मैंने जो प्रशिक्षण दी उससे कम लागत में ज्यादा उपज होने लगी। और फिर जो सर हम बाजार से खाद खरीद के लाते थे, कीटनाशक खरीद के रासायनिक लाते थे, तो वो हमारे खेतों में उर्वरता शक्ति कम करती थी, वो हमारे जीवन को भी शरीर को भी नुकसान पहुंचाता था। आज खेत में एक उर्वरता शक्ति बढ़ गई है। अच्छा, आपने मुझे जो बताया गया कि NPM नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट से एक ऐसे विषय की दुकान खोली, एक तो गांव में इस प्रकार की दुकान करना ये भी बहुत बड़ी बात है, इसका विचार कैसे आया? सर मेरी दुकान बाजार में है, वो बाजार में जो हर सप्ताह और हर दिन लगी रहती है, वहाँ आसपास के किसान लोगों को, आने जाने वालों को मेरी दुकान में दिखती है। और हर समूह में, हर गांव में सबको पता है कि चंपा ने जैविक खेती कृषि का दुकान भी खोली है, किसान सेवा केंद्र। आप परिवार में, आर्थिक रूप में या समाज में पहले की तुलना में, जैसा आपने कहा पहले 50,000 रुपया बड़ा मुश्किल से मिलता था, आप 3-4 लाख रुपया कमा रही हो और राज्यों में, क्या और महिलाएं या और किसान आपके पास खुद आकर के सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और वो अपने खेतों में इसको लागू करते हो, ऐसी चीजें होकर के आपके प्रति एक सम्मान का भाव भी बना होगा, आपको खुद को भी बहुत बड़ा गर्व होता होगा, क्या अनुभव आता? जी सर, सर मेरे ये अनुभव है, पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कृषि सखी बनने के बाद में एक बड़ी पहचान बन गई मेरी। और जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कृषि सखी के नाम से मेरी परिचय है, सभी लोग आके मेरे यहाँ जैविक खेती कैसे करना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये लोग आके जब मुझे पूछते हैं, गांव के लोग, और फोन भी आता है सर मेरे पास दूसरे राज्यों से, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मुझसे दूसरे राज्य से लेके अपने प्रदेश के भी दीदी सभी फोन लगा के पूछते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही सर। चंपा जी, आपने दिखा दिया है कि जब हमारी नारी शक्ति कुछ करने को ठान ले तो कैसे बदलाव ला सकती है। अब आप खुद तो सक्षम है, आप अपने गांव और दूसरे राज्यों की महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही हैं। मेरा मानना है कि जब नारी सशक्त होती है, परिवार ही नहीं पूरा समाज और देश सशक्त होता है। आप इसका एक जूता जागता उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और धन्यवाद चंपा जी, मैं एक सुझाव दूंगा आपको। पिछली बार मैंने मन की बात में एक छोटा सा विषय रखा था, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले एक पहले मजदूरी करने वाले भाई, उन्होंने क्या किया, जो गांव में खाने वाली चीजें हैं उसकी उन्होंने ऑनलाइन उसकी रेसिपी वगैरह, उसके संबंध में सारी चीजें लगना शुरू किया और धीरे 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 वह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। क्या आप कुछ ऑनलाइन ये जैविक खेती का अभियान चला सकती हो अपनी मंडली के द्वारा, ताकि लोग ऑनलाइन आए, सीखे, समझे और आप भी उनसे संवाद करती रहे, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक अगला चरण आप कर सकती हैं? जी सर बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी कहूंगा कि वो आपको ये ऑनलाइन करने में मदद करें। सर ये ब्रह्मास्त्र कीटनाशक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है, सर ये जैविक खाद है जो अपने दुकान में बेचती हूँ। सर सर मेरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी बहनों के ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। स्वयं सहायता समूहों के आजीविका संवर्धन हेतु उन्हें औपचारिक उद्यमों के रूप में गठित किया जा रहा है। बुंदेलखंड के 5 जिलों में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं का उद्यम बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी वर्ष 2019 में गठित किया गया था। उसके बोर्ड की सदस्यों में से एक श्रीमती उमा कांति पाल से मैं अपने अनुभवों को बांटने का अनुरोध करता हूँ। उमा कांति जी नमस्ते।
माननीय प्रधानमंत्री जी आपको मेरा नमस्कार, मेरी समूह की दीदियों को भी प्रणाम। मेरा नाम उमा कांति पाल, मैं ग्राम बांकी ब्लॉक सुमेरपुर और जनपद हमीरपुर की हूँ। मैं बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर पद पर हूँ। मेरे साथ 6 बहनें हैं, उसमें से 25,000 बहनें जुड़ी हैं, जिसमें से कंपनी हमारी 601 गांव में 5 जनपदों में कार्य कर रही है। और मेरे 70,000 लीटर प्रतिदिन दूध हमारा एकत्रित होकर जाता है, जिसमें से 110 करोड़ का कारोबार और 100 करोड़ का भुगतान महिलाओं को हुआ और 3 करोड़ का लाभ हुआ। उमा कांति जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो आप बता रही हैं इतना बड़ा प्रभावी बात बता रही है, और आपने एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है और 25,000 बहनों को आप जोड़ रही है। जी सर, मैं जरा जानना चाहूंगा इस काम में आपको सरकार की कितनी मदद मिली है। जी सर, हमारी सरकार ने हमारे साथ बहुत कुछ किया और नारी शक्ति के अनुसार ही ये काम हमारी आजीविका मिशन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से भी रहा। हम लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ अपना ये बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का काम किया और इसमें से 2018 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और आजीविका मिशन के अधिकारीगण बांदा आए, वहाँ पे हम लोगों को समझाया, हम लोग उसी में बोले कंपनी में आप जुड़िए, तो हम लोग खुशी के साथ अपनी नारी शक्ति के साथ इसमें जुड़े और हिम्मत बढ़ाई, बहनों की भी हिम्मत बढ़ाई। अच्छा, आपकी कंपनी हजारों महिला दुग्ध उत्पादकों से दूध इकट्ठा करती है। जी सर। इसकी क्वालिटी चेक, दूध की गुणवत्ता, इसके विषय में भी कोई व्यवस्था है क्या आपके यहाँ, ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिले? जी सर, मशीन है, गांव-गांव पे सेंटर लगे हुए हैं, उसमें हमारी दीदियाँ जाती हैं और दूध डालती हैं, दूकर अपने शुद्ध हाथ साफ करके और जानवरों को भी साफ सुथरा करके दूध सेंटर पर डालती है। सेंटर में डालने के बाद हमारा दूध गाड़ी में लद के प्लांट जाता है, प्लांट से हमारी मदर डेयरी को जाता है। अच्छा, आप अपनी कंपनी में अपने स्वयं सहायता समूह की बहनों को पैसे पेमेंट कैसे करते हैं आप लोग? जी सर, उसमें वो मिलती है, पर्ची मिलती है, मशीन से निकलती है, जो उसकी एसना फेट होती है, उसमें सारा उनका कोड भी पड़ा होता है, उनका रुपया भी होता है और उनकी डेट होती है, मतलब सारा सब कुछ होता है उसमें पर्ची में, उसी के अनुसार बैंक खाते पर उनका पैसा जाता है, 3, 13, 23 को उनका पेमेंट होता है, उसी के अनुसार वो अपना कारोबार सही तरीके से चलाती है। अच्छा, आप बहनों ने कभी जी सर किसी बड़ी डेयरी देखने के लिए जाने का कार्यक्रम बनाया क्या? कभी जाकर के देखा कैसे चल रहा है, ऐसा कभी आपके समूह की बहनों को विचारा है? चलो भाई, 5 दिन के लिए टूर पे चले जाते हैं और कोई बड़ी डेयरी अमूल जाकर के देख करके आते हैं, ऐसा कभी सोचा क्या? जी सर, हम लोगों ने अभी एक प्लान भी बनाया है, उसमें दो जिलों में अभी और काम करना है, महोबा और ललितपुर में 1,000 बहनों को भी अभी जोड़ना है। नहीं, वो तो आप करेंगे, अपना विस्तार करेंगे, लेकिन आज देश में जैसे अमूल बहुत बड़ा नाम है, तो कभी मन करता है कि वहाँ जाएं, यहाँ डेयरी कैसी है, वहाँ पशुपालन कैसे होता है, वो सारा देखें, ऐसा कभी सोचा है क्या? जी सर। देखिए, अगर आप सब बहनें तय करती हैं, तो मैं गुजरात में जो डेयरी का काम होता है आपको वहाँ देखने के लिए जाना, वहाँ पर क्या क्या होता है, इसकी मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, तो मैं अपने सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि आपकी 15-20 बहनों की टोली एक बार जाकर के देख के आए, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है बहुत बढ़िया कर सकती है। एक और काम आप कर सकती हैं क्या? जी सर। जो पशु चिकित्सक होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, सरकार का डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि पशुपालन ही सबसे बड़ी चीज होती है डेयरी में, और हमारे देश में पशुपालन मुख्यत्व रूप से महिलाओं के द्वारा ही होता है, तो आपकी बहनों का पशु चिकित्सक डॉक्टरों को बुला करके वे बहनों को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएं,
कि अपने पशु का संभालना कैसे, पशु की कौन सी बीमारी आती है तो कैसे करना, वैसे कार्यक्रम बना सकती हैं क्या? जी सर, हम लोगों के इधर है कार्यक्रम, ये पशु चिकित्सा है, वहाँ पे हम लोगों के जानवरों का अगर कोई थनैला रोग है, ये सारी सुविधाएं हम लोगों के इधर होती है, नस्ल सुधार की सुविधा भी चल रही है। नहीं, मैं उमा कांति जी दूसरा कह रहा हूँ, ये पशु चिकित्सक है, पशु की केयर करते होंगे। मैं कहता हूँ जो आपकी सारी सखी बहने हैं सर, उनकी ट्रेनिंग कि पशु को कैसे संभालना, पशु को क्या खिलाना, पशु को कब पानी पिलाना, कितना पानी पिलाना, ये सब सीखने जैसा होता है। क्या ऐसा कोई सिखाने वाले कार्यक्रम होते हैं क्या आपके यहाँ? जी सर होते हैं। अच्छा, हम लोगों के इधर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, आप ही की सब मेहरबानी है सर जी, आपने बहुत कुछ किया हमारे साथ, हमारी हिम्मत बढ़ाई, आपको हमारी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आपका माननीय प्रधानमंत्री, आपके आपका उत्साह इतना है आपके आशीर्वाद के लिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक और काम बताने का मेरा मन करता है। जी सर बताइए। देखिए, अपने खादी मिशन के द्वारा बॉक्स दिए जाते हैं शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, ये आपकी जो बहने हैं उनको अगर आप इस काम से भी जोड़ दें तो दूध के साथ साथ वो शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं, और आपकी ये मंडली है वो शहद इकट्ठा करके उसको भी कोई ब्रांड बना करके शहद अच्छा बेच सकती है, और उसमें आपकी बहनों की इनकम थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो इसके साथ जैसे दूध का कर रहे हैं उसके साथ शहद का भी जोड़ देना चाहिए, तो कर पाएंगे आप लोग? जी सर, हिम्मत के साथ, बहने हमारी सब तैयार हैं, कोई तो दिक्कत मैं, नहीं मैं हमारे गिरिराज जी को कहता हूँ कि वे जरूर जितनी बातें मैंने बताई हैं, क्योंकि आप इतने उत्साह से कर रही हो, और बुंदेलखंड ये तो वीरांगनाओं की धरती है, वीर माताओं की धरती है, तो वहां से अगर इतना बढ़िया काम होता है तो बहुत खुशी होती है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक छोटा सा बयानों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जरूर तो दोबारा सुनूंगा, मैं दोबारा सुनूंगा, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सिलेक्शन बहुत NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों को कृषि इतर उद्यमों को भी स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले की नारी शक्ति क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा एक सफल बेकरी की वर्ष 2020 में स्थापना की गई। उसकी अध्यक्षा श्रीमती चंद्रमणि दास से अनुरोध करूँगा कि वे उद्यम से जुड़ी अपनी बातों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं। चंद्रमणि जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी मेरे आपको नमस्ते, और हमारी महिलाओं के द्वारा आपको नमस्ते। मेरा नाम चंद्रमणि दास है, मैं रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर से बोल रही हूँ। मेरे दो बिटिया हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नारी शक्ति क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ। इस मिशन अंतर्गत हमारे एक बेकरी ग्रोथ सेंटर का गठन हुआ, जिसका मैं संचालन करती हूँ। हमारे इस ग्रोथ सेंटर बेकरी में हमारी 40 महिला को RCTJ द्वारा पहले ट्रेनिंग दिया गया था, तो उसमें हमें जैसे बेकरी प्रोडक्ट बन और रस और केक वगैरह सिखाया गया था, तो हमारे जो हमें भी बिस्किट भी बनाना सिखाया, जो हमें मंडुवे के आटा और मक्के जो और सोयाबीन के आटा से हमने बनाया, तो ये जैसे लोगों को बहुत पसंद आया, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से हमको ऑर्डर मिला है कि हमें छोटे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल बच्चे को हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो हमें इसमें हमको पहले 88,000 बिस्किट का ऑर्डर मिला था, जो हमें अच्छे से पूरा करा, तभी हम जुलाई में हमको 55,000 बिस्किट पैकेट का ऑर्डर मिला है, जो हमारे टोटल टर्नओवर अभी तक 89,32,000 है, और हमारा जो सारे खर्चा काट के हमको 10,30,000 का प्रॉफिट मिला है। आगे हम ये सोच रहे थे, और हमारे समूह की महिला हैं, हमने एक मिनी ट्रक खरीद करा, जिसमें हम एक फूड ट्रक में
कन्वर्ट करा है, जो हमारी जो रुद्रपुर सिटी में सिटपुर वगैरह में टिफिन व्यवस्था के करेंगे। चंद्रमणि जी, आपका आपकी जो प्रोडक्ट है इसका कोई ब्रांड नेम बना है क्या? एक नाम से जाना जाता है क्या इसका? जी सर, मल्टीग्रेन कुकीज है सर। अच्छा। तो ये जो आप वहाँ, तो बाहर बड़े तीर्थ यात्री भी आते हैं, क्या उनके अंदर ये पॉपुलर है, लोग खरीदते हैं, खाते हैं? सर बहुत पसंद करते हैं हमारे बिस्किट को। और अपने गांव भी ले जाते हैं? जी सर। अच्छा चंद्रमणि जी, आप बताइए कि इस पूरी यात्रा में आपको सरकार की कितनी मदद मिली? सर हमको जैसे महिला का सीआई का पैसे हमको मिला था, उसी में से हम पहले तो हमको बेकरी सेंटर बना के दिया हमने, और इसके बाद वो सीआई का पैसे मिला जैसे महिलाओं को, तो उसमें ही से हमें उसको बना रहे, उसमें ही बना रहे हम इसको। चंद्रमणि जी, इस स्वयं सहायता समूह से आप अपने जीवन में और अपने गांव की बहनों की जिंदगी में पहले की तुलना में, जब ये काम नहीं चलता था तब क्या स्थिति थी, अब इतना सारा बड़ा काम किया, 10-10 लाख रुपए का कारोबार हो रहा है, तो अब क्या स्थिति बनी है बहनों की जिंदगी? सबसे बड़ी बात है तो आज जैसे एसीजी में जुड़े तो आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने आपको और जैसे समूह की महिलाएं जैसे पहले तो घर में ऐसे ही रहते थे, कोई रोजगार नहीं था और बच्चे की पढ़ाई में भी दिक्कत थी, अभी जैसे हम जुड़े हैं इसमें, पहले तो हमने समूह में बचत करा, बचत से हमको ऐसा लगा हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमको जैसे ग्राम संगठन बने, ग्राम संगठन भी हमको कुछ ऊपर मैंने सरकार ने हमको पैसे दिया सर आपके माध्यम से हमको मिला है, तो हमें उसमें हमें कोई छोटे मोटे बिजनेस करने लगे, जैसे हम जो गरीब महिलाएं हैं उनको कोई दुकान करके दिया, कोई सिलाई मशीन लिया, कोई मतलब गाय भैंस लेके पालन करे उन्होंने, तो आज हम जब वेकरी सेंटर में काम करते हैं, हमें इसमें 35 महिलाएं काम करते हैं, तो उनको महीने में 7,500 का वेतन हम देते हैं, तो वो बहुत खुश हैं और आत्मनिर्भर मतलब हो रहे हैं। चंद्रमणि जी, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है, तो आप देश की अन्य महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर के आज दिख काम कर रही हैं। आपके माध्यम से देश स्वयं सहायता समूह की ताकत की भी आज अनुभव कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि हम हर गांव में ऐसे छोटे 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 संगठन खड़े करें, उन संगठनों को ट्रेनिंग, संसाधन और पैसों की कमी ना होने दी जाए, मार्केट की व्यवस्था हो जाए, और ये तभी संभव है जब इसमें आप जैसी जागरूक महिलाएं सामने आती हैं, जब किसी संकल्प में जनता की शक्ति मिल जाती है तो उसे संपूर्ण होने में देर नहीं लगती। आप ऐसे ही प्रगति कीजिए और अपने साथ गांव, प्रदेश, देश की महिलाओं की प्रगति में भी आप भागीदार बनिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एनआरएलएम संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु के डिंडिगल जिले के अथुर ब्लॉक में नल्ला पंजन पट्टी प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर वर्ष 2010 में स्थापित किया गया है, जिसके उत्पादों का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। मैं उसकी प्रबंधक श्रीमती जयंती से अपने अनुभवों को साझा करने का अनुरोध करता हूँ। जयंती जी वणक्कम। மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் ஒன்றியம் என் பஞ்சம்பட்டியிலிருந்து ஜெயந்தி. நான் வந்து 2006 வந்து இண்டசைவா பெண்கள் சுய உதவிக்குழுல ஒரு மெம்பரா சேர்ந்தேன். என்னோட உறுப்பினர்களையும் வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேற்றணுங்கிறதுக்காக பேங்க்ல 6 முறை கடன் வாங்கி ஆடு வளர்த்தல் மாடு வளர்த்தல் போன்ற தொழில்களில் வந்து அவங்கள ஈடுபடுத்தி எங்களோட வருமானத்தை நாங்கள் பெருக்கிக்கிட்டோம். 2010 வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரீசைக்ளிங் யூனிட்டை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதில் வந்து நான் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறேன். மாண்பிய பிரதான் மந்திரி ஜிக்கோ மேரா சாதக் பிரணாம். மே ஜெயந்தி திண்டிகல், தமிழ்நாடு திண்டிகல் பஞ்சம்பட்டி சே ஹூம். மே சன் 2006 மே இண்ட சைவா நாமக் समूह से जुड़ी। इस समूह से मैं और मेरे जैसे अन्य सदस्य बैंक से 6 बार लोन लेके पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे अन्य आजीविकाएं करके हमारा आर्थिक अवस्था और आय को बढ़ाए हैं। सन 2010 में हमने
प्लास्टिक पुनरुपयोग इकाई का स्थापन किया। इस इकाई का मैं मैनेजर हूँ। இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளா அரைச்சு நாங்க தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்க கொடுத்துட்டு வரோம். கடந்த ஓராண்டுல மட்டும் நாங்க 32 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சு இதை அரைச்சு டிஆர்டிஏவின் உதவியோட பிளாஸ்டிக் தார் சாலைகளுக்கு நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சார் சார் 2010 हमने एक प्लास्टिक रिसाइकल यूनिट का स्थापना की। हमारे प्लास्टिक वातावरण समस्या के लिए हानिकारक है। हमारे गांव और आसपास के जल इकाई का भी प्रदूषित करने लगा। हमें आजीविका मिशन ने सुझाव दी कि हम इस प्लास्टिक के कचरे से कुछ मूल्यवर्धन कर सके। उनके सुझाव के अनुसार हमने 5 लाख रुपये से इस यूनिट को स्टार्ट किए हैं। हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन आजीविका मिशन के अनुदान थी। हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन ये सब हमारे पास है। हम कुल 36 सदस्य इस यूनिट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में हम लोगों ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इससे हमें 1,80,000 की कारोबारी हुई। अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की है वो सब डीआरडी को भेजे हैं जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। கழிவுகளை வந்து கிலோ நாங்க 5 ரூபாய்னு எடுக்கிறோம். அதை தரம் பிரிச்சு சுத்தம் பண்ணி 30 ரூபாய்க்கு நாங்க தார் ரோடு பயன்பாட்டிற்காக கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த நாங்க யூனிட் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இது வரைக்கும் 102 டன் வந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சு 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்க வந்து உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சிருக்கோம். இதனால வந்து எங்களுடைய யூனிட்ல இருக்கவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பும் வருமானமும் கிடைக்கிறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கிராமமும் சுகாதாரம் அடைஞ்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழக அரசிற்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம். சார் ஹம் பிளாஸ்டிக் கோ 5 ரூபாய் 1 கிலோ 5 ரூபாய் பாவமே खरीदते हैं और इसका पूरा प्रोसेसिंग के लिए 15 रुपया खर्चा होता है। हम 1 किलो 30 रुपये के भाव में बेचते हैं। अब तक की हमारी जितनी भी प्लास्टिक हम लोगों ने कटाई की है वो कुल 102 टन है। इससे हमें 30 लाख की कारोबारी हुई। हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमीटर की रोड बनी है। इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रतिदिन 400 के हिसाब में महीने में 8,000 मिल रही है। हमें इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तमिलनाडु राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी सभी सखियों को, सभी आपकी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप तमिल में बोलिए, आप तमिल में उनको समझाइए, माइक पर ही बोलिए तमिल में ताकि बाकी सब बहने भी सुने। प्रधानमंत्री सर உங்க எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்றாங்க। இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் சார். बोलिए सर। आप हिंदी में बताइए क्या बताया। नहीं, ये आपका फिर से धन्यवाद कर रही है। अच्छा, देखिए, एक तो आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सखी मंडल के लोग कर सकते हैं। आपने सब कूड़े कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, 200 किलोमीटर तक के रोड बनाए और 30 लाख रुपए का कारोबार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। पर्यावरण और प्रगति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का विचार ये आपके मन में कैसे आया? यानी थोड़ा ये टेक्निकल काम है, इंडस्ट्री जैसा है, तो ये कैसे आया आपके मन में? எங்களோட கிராமத்துல தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மூலம் நாங்க எல்லா வீடுகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து கழிவறை கட்டி கொடுக்கும் பணியை தான் முதல்ல நாங்க ஆரம்பிச்சு தூய்மை கிராம விருது எங்க பஞ்சாயத்துல நாங்க வாங்கினோம்.
அதோட தாக்கம் தான் எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எங்க பார்த்தாலும் இருக்கிறது வந்து நீர்நிலையும் விவசாயத்தையும் பாதிப்பதனால இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் நாங்கள் இந்த யூனிட்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் सर हमें ये सुझाव आजीविका मिशन ने दिए थे उसकी सुझाव से ही हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग से ही हम लोगों ने ये यूनिट बनाया। अब तो भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि रास्ते में बनाने में प्लास्टिक का उपयोग करना और उसके कारण बहुत बड़ा मार्केट भी है तो सभी बहनें अगर इस काम को करेगी तो बहुत फायदा होने वाला है। स्वयं सहायता समूह से इतनी सारी बहनें आपके यहाँ काम कर रही हैं, क्या कभी उनके साथ बातचीत होती है उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या संतोष आया? रोड तो बन गए, गंदगी भी दूर हुई, प्लास्टिक भी गया, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या रोशनी आई उसकी कभी बातें होती है? आपकी बहनों का कोई उदाहरण बता सकती हो आप मुझे? சேர்ந்தவங்க வந்து ஆரம்பத்துல வந்து கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து நாங்க ஒரு தொழிலாளியாவும் இருக்கோம், இந்த யூனிட்டுக்கு நாங்க முதலாளியாவும் ஆயிருக்கோம். எங்களுக்கு பெண்களாகி எங்களுக்கு கையில வருமானம் இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைகளோட படிப்பு செலவு பொருளாதார முன்னேற்றம் எல்லாத்தையும் நாங்களே பாத்துக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாதாரம் பெரிய இருக்கு சார். இசே ஹம் பெஹலே தோ ஹமாரே குச் காம் தந்தா குச் நஹீ தா, அப் தோ ஹம் महीने में 8,000 कमाते हैं, इससे हमारा घरेलू खर्चा सब होता है और हमारा बच्चे लोगों का फीस भी हम भर सकते हैं। पहले तो हम किसी पर निर्भर थे, अब तो हम किसी पर निर्भर नहीं है। हम जो हम अब जयंती जी, आपका स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्य पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि आपके प्रोसेस किए गए प्लास्टिक से करीब, जैसे आप बता रही थी कि 200 किलोमीटर की सड़क बनी है, ये छोटी बात नहीं है। अगर ऐसे ही हर गांव ठान ले तो हम प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम कर पाएंगे। मेरी तरफ से जयंती जी आपको, आपकी सभी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, वणक्कम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल कार्यक्रम के तहत 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और 7 लाख को रोजगार दिलाया गया है। मैं मणिपुर की सुश्री जोशी देवी, जो वर्तमान में मेदांता अस्पताल गुड़गांव में स्टीवर्ड के रूप में काम कर रही हैं, से अनुरोध करूंगा कि वे मणिपुर के चूड़ा चांदपुर से अब तक की यात्रा एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालें। जोशी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम निखौजम जोशी देवी है। मैं मणिपुर के चुरचांदपुर जिले डी फाइलिंग गांव की रहने वाली हूँ। मेरा पिता एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और मेरा माँ एक बहनी है। मैंने अपनी स्कूल शिक्षा जवाहर नवोदया विद्यालय चुरचांदपुर जिले मणिपुर में पूरी की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गुवाहाटी में अपना ग्रेजुएशन प्राप्त किया। इसके बाद मैंने कई नौकरी, अच्छी नौकरी की तलाश की लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर मैंने डीडीयू जीकेवाई के तहत किसान हॉस्पिटलिटी गुरुग्राम में फूड एंड बेवरेज सर्विस का प्रशिक्षण किया और मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी कंपास ग्रुप इंडिया के माध्यम से मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में स्टीवर्ड के रूप में काम कर रही हूँ सर। जोशी, मणिपुर तो आजकल खेलकूद की दुनिया में भारत का मुकुटमणि बन गया है। आप भी कुछ खेलती हैं क्या? तो किसी स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं क्या? सर, जब मैं छोटी थी तब मैं जूडो खेलती थी पर अभी तो नहीं सर। अच्छा जोशी, क्या आपको लगता है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली उसने, क्योंकि कहां मणिपुर और कहीं कहां गुरुग्राम और कहां से कहां आपकी दुनिया बदल गई, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन की यात्रा को आप कैसे देखती हैं? सर, मुझे यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद
बहुत सारे ट्रेनिंग के बीच में भी सर बहुत सारे एक्सपोजर मिला है फाइव स्टार होटल में, जैसे हायर प्लेस हिल्टन होटल में एक्सपोजर भी मिला है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के बीच में ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल भी किया है, और ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत सारे अवसर भी मिला है। दुबई में भी मुझे अवसर ऑफर मिला है सर, दुबई में लाइटबाज फूड प्राइवेट लिमिटेड के रेस्टोरेंट में अवसर मिला है, पर लेकिन मुझे वहाँ यात्रा प्रतिबंध खुलने के बाद ही जा पाऊंगी सर। जैसी आप नॉर्थ ईस्ट और देश भर की ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जो हमारी बेटियां हैं, उनको क्या संदेश दे सकती हो, क्या कहना चाहेगी? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार हमारी मेरे जैसे मददमंद जरूरतमंद ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम चला रही है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, और मेरे जैसे जिंदगी बदलने के लिए DDU GKY के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना नामांकन कराना चाहिए सर। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, आप अपनी मेहनत से मणिपुर के छोटे से गांव से दुबई तक का सफर पूरा करने जा रही है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वयं सहायता समूहों को विविध आजीविकाओं की स्थापना और संवर्धन हेतु भांति भांति का सहयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औपचारीकरण की योजना के अंतर्गत आज 7500 बहनों को बीज पूंजी के रूप में 25 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ ही छोटे किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के अवसर सुलभ करने हेतु मान्यवर 10,000 FPO गठन की योजना भव्य ने गत वर्ष शुरू की। SHG महिलाओं ने 75 FPO संगठन गठित किए हैं, उनकी सहायता के लिए बतौर प्रथम किस्त 4,13,00,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रस्ताव है। आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों को अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। 30 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की 4,07,000 SHG संघों को 1625 करोड़ रुपये की राशि आज पूंजी सहायता के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे बटन दबाकर उत्तराखंड की मुक्त करें। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण विकास के भारत के विकास की अपनी संकल्पना और उसमें SHG बहनों की भागीदारी के संबंध में अपने आशीर्वचन दें। नमस्कार। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन बहुत अहम है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को, हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ति एक नई ऊर्जा देने वाली है। आप सबसे बात कर करके आज मुझे भी प्रेरणा मिली है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद विधायक साथी, जिला परिषद के चेयरमैन और सदस्यगण, देश की करीब करीब 3,00,000 लोकेशन से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों बहनें और बेटियां, अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, अभी जब मैं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों से बातचीत कर रहा था तो उनका आत्मविश्वास मैं अनुभव करता था।
आपने भी देखा होगा उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक कैसी है, कुछ करने का जज्बा कैसा है, ये वाकई हम सबके लिए प्रेरक है। इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोड़ों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है और उन्होंने संभाल करके रखी है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है, 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं, इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। अब रसोई के डिब्बे में नहीं, वरना में मालूम है ना गांव में क्या करते हैं, रसोई के अंदर जो डिब्बे होते हैं ना, कुछ बच्चे खुचे पैसे उसमें रख देते हैं। अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं, पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया। एक तरफ मुद्रा योजना के तहत लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान ऋण उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जितनी मदद
सरकार ने बहनों के लिए भेजी है वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए ना का बिना गारंटी का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध कराया गया है। साथियों, हमारी बहनें कितनी ईमानदार और कितनी कुशल उद्यमी होती हैं, इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 सालों में स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों की ऋण वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है। एक दौर था जब बैंक लोन का करीब, अभी गिरिराज जी बता रहे थे, 9% तक मुश्किल में फंस जाता था, यानी इस राशि की वापसी नहीं हो पाती थी। अब ये घटकर 2.5% रह गया है। आपकी इस उद्यमशीलता, आपकी ईमानदारी का आज देश अभिवादन कर रहा है। इसलिए अब एक और अहम फैसला लिया गया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा 2 गुनी यानी 20 लाख की गई है। पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोड़ने को कहते थे और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे। अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। ऐसे अनेक प्रयासों से अब आत्मनिर्भरता के अभियान में अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएगी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूह शक्ति को भी हम नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार लगातार वो माहौल, वो स्थितियां बना रही है जहां से आप सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनंत संभावनाएं हैं। गांव में भंडारण और कोल्ड चेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीनें लगानी हो, दूध फल सब्जी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो, ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ये सुविधाएं तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सुविधाएं आप बनाएगी उचित दरें तय करके सभी मेंबर इसका लाभ उठा सकती हैं और दूसरों को भी किराए पर दे सकती हैं। उद्यमी बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों की विशेष ट्रेनिंग और जागरूकता को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इससे अभी तक लगभग 1.25 करोड़ किसान और पशुपालक बहनें लाभान्वित हो चुकी हैं। जो नए कृषि सुधार है उनसे देश की कृषि, हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी असीम संभावनाएं बन रही हैं। अब आप सीधे किसानों से खेत पर ही साझेदारी कर अनाज और दाल जैसी उपज की सीधी होम डिलीवरी कर सकती हैं। इधर कोरोना काल में हमने ऐसा कई जगह होते हुए देखा भी है। अब आपके पास भंडारण की सुविधा जुटाने का प्रावधान है। आप कितना भंडार कर सकती हैं ये बंदिश भी नहीं है। आप चाहे खेत से सीधे उपज बेचे या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर बढ़िया पैकेजिंग करके बेचे, हर विकल्प आपके पास है। ऑनलाइन भी आजकल एक बड़ा माध्यम बन रहा है जिसका उपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप ऑनलाइन कंपनियों के साथ तालमेल कर
बढ़िया पैकेजिंग में आसानी से शहरों तक अपने उत्पाद बेच सकती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार में भी जेम पोर्टल है, GEM। आप उस पोर्टल पे जाकर के सरकार को जो चीजें खरीदनी है, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप सीधा सरकार को भी बेच सकते हैं। भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी है। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसी प्रकार आज देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभियान चल रहा है, और अभी हमने तमिलनाडु की हमारी बहनों से सुना, बहन जयंती जिस प्रकार से सठ आंकड़े बता रही थी, हर किसी को प्रेरणा देने वाली थी। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की दोहरी भूमिका है, आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थैले की जगह जूट या दूसरे आकर्षक बैग आप ज्यादा से ज्यादा बना सकती हैं। आप अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकें, इसके लिए भी एक व्यवस्था दो तीन वर्षों से चल रही है। जैसा मैंने पहले कहा, उसको GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। इसका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। यह आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। इस आत्मविश्वास राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों को अब आपको अमृत महोत्सव से भी जोड़ना है। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती है क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है, क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं। अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के अभियान चला रहा है, सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं, भी आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं, तालाब, इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह, ऐसा भी हो सकता है क्या?
ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में महीने दो महीने में किसी डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुला करके उनको कहें कि भाई महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां होती है, चौपाल लगाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, तो डॉक्टर एक आकर के घंटे डेढ़ घंटे का भाषण दें, तो आपके सब बहनों को ये भी लाभ होगा, उनके अंदर जागरूकता आएगी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्चर हो सकता है। किसी महीने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं वैसा कहीं बड़ा काम चलता है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। पूरी बस किराए कर पर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती हैं, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं, कोई सोलार प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक का हमने सुना, आप वहां जाकर के जयंती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे कर रहे देख सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में बेकरी का देखा, डिस्ट्रीब्यूटर का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती हैं। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना, और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, उसके कारण आपकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 करोड़ महिलाओं की सामूहिक शक्ति कितने बड़े परिणाम ला सकती है, देश को कितना आगे ले जा सकती है। मैं तो इन 8 करोड़ माताओं बहनों को कहूंगा, आप ये तय कीजिए आपके समूह में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, बहुत ज्यादा करने की जरूरत, थोड़ा बहुत, देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर आपके आशीर्वाद बने रहें, आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।